आपको एक प्लेयर मिलता है, एक प्लेयर मिलता है अच्छा कर रहा होता है जी, अच्छा करने वाले प्लेयर को आप उसको डिस्टर्ब करते, आप उसको उंगली करते कि आप कप्तानी करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये मेंटेलिटी का गेम है जी। कप्तान उसको होना चाहिए जो आप समझो कि लीडर है भाई। देखिए डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ परफॉर्मर। अगर मैं टॉप में हर मैचों में आउट करता रहूं और मुझे आके बोले गए कप्तानी करेंगे तो मेरा क्या होगा कि जो मैं जिस तरह से अपना माहौल बनाया हुआ है बॉलिंग करने का, जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो मेरा थोड़ा इधर आता है। वो इधर आके मैं सोचता हूँ यार मेरी टीम कैसी बनेगी, मेरा क्या बनेगा, मेरा रोल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को ज्यादा यूज करूंगा तो टीम वाले सोचेंगे कि कप्तान होके पूरा ही ले लिया, मतलब अपना सब चीजें खुद ही कर रहा है। वो सब चीजें कंट्रोल करने वाला एक प्लेयर होता है जो आप उसको कप्तान बनाते हो। आप कप्तान मुंह उठा के ठीक है परफॉर्म कर रहा था, आपका एक अच्छा प्लेयर था, आपका एक अच्छा क्वालिटी क्रिकेटर आया था, बैट्समैन आया था, लेकिन उसको आप उसको आपको बचाना चाहिए था, कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी आपको, किसी और को कप्तानी देके सरफराज को कंटिन्यू कराते या इवन रिजवान को कप्तान बनाते और इसको एज अ बैट्समैन खेलने देते, क्योंकि आपका ये रन गेटिंग मशीन था उस टाइम पर। आपने उसको पहले कप्तान बनाया, कप्तान से हटाया, उसका कॉन्फिडेंस खराब किया, फिर उसको मतलब मीडिया ने तो भाई ये कि विराट, मतलब लोग कंपेयर करने से पहले सोचते क्यों नहीं है कि यार एक बंदा उसने दुनिया ही क्रिकेट के अंदर अपना नाम बनाया, दुनिया में उसने अपने परफॉर्म किया हुआ है, जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी तब तक वो खड़ा रहा, हर कंडीशंस हो गई उसने रन्स किए, उसने मतलब कि इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ इनका कंपैरिजन आप तब करिएगा जब दोनों रिटायर हो जाएंगे ना, उनके स्टैट्स निकाल के कंपेयर करिएगा। बिल्कुल सही बात है दानिश भाई आपने। एक्चुअल थिंग मतलब एक में वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 कर दिया किंग बाबर आजम, मतलब उसने अंदर 50 कर दिया किंग, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है। और इनको थोड़ी अपने क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, जितने भी प्लेयर्स आए ना आजकल बच्चे हैं, ठीक है एक तो एजुकेशन का भी एक क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर, लेकिन इनको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। ये आके मैंने देखा टेस्ट मैच में आके वो अबरार साहब मिस्ट्री, अबे कहाँ का मिस्ट्री बॉलर है, एक बॉल तो बीट नहीं करा सकते हो तो मिस्ट्री कहते हो, वो आके जब 10 रन रह जाते हैं तो वो एक आउट करता है तो यूं करता है भाई, यूं क्या मतलब, अपनी शक्ल तो देखो क्या किया तुमने, पूरे टेस्ट मैच में बॉल नहीं हुए तुमसे। एग्रेशन तब होना चाहिए जब आप कुछ करो, आप एक अनवांटेड टेस्ट मैच जिता दो, मतलब वहां से बनते ना हीरो बनता वो, आप फिर आप जो भी नक्शे करो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कराया कराया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाड़ाना और नक्शे बहुत सारे आप लोगों के, फिर बयानबाजी भी बहुत सारी है। तो जब तक इन लोगों ये चीजों से नहीं निकलेंगे ना ये टीम सही नहीं होगी कभी भी। बातें कम काम ज्यादा।